जोर से आई और जोर से आई। कब मारने आता हूँ बच्चे को? जोर से पूरी शक्ति लगा, लगा पूरी ताकत लगा दे दो। जोर से जाके वो लोगों को जालिमों को मारता रहना जाके जो भी भाई जी इशारे तुम उधर
समझ गया, छोड़ उसको, चल निकल बाहर, चल निकल बाहर। और मैं तेरे दूसरी बार बुलाऊंगा, अब दूसरी बार ये छोकरा जब आएगा तो आके मेरे को सारी दास्तान बयान करना, कौन लाके डाले थे इसके आंग में, कहां से लाए थे, कितने लोग है, कब इसको मारने आए थे इसके घर से, और किस किस को तूने मारा, ये सब बयान करना दूसरे चक्कर में, ठीक है? सब याद करके आ जा, चल जा और मेरी फौज में शामिल हो जा बाहर, जा चल, छोड़ो बच्चे को, जा। क्या नाम है इसका? अरफा भाई, अरफा पान ले रहे सब बटे करेंगे पान दो। अरफा भाई पान दो, क्या मतलब दूसरे का कुछ यही थी, कोई बला थी लगे भागी, कुछ दास्तान है घर सामने, इससे पहले कितने बार हाजिर हुआ, कहां से आए? चलो क्या तकलीफ होती थी? जोर से रात में नींद नहीं आती थी। हाँ, और नमाज को जाना वाले को होता था नहीं जाने। हाँ, इससे पहले आंग पे कभी कुछ हाजिर हुआ क्या घर पे? नहीं, अभी यहाँ तुम्हारे आंग पे कुछ है हाजिर हुई थी, और वो जो थी तो जिन्नात के किस्म में से कुछ था, जिन्नात था वो कोई किस्म का, अब वो जो भी है तो उसको पकड़ कर इधर बोल दिया आके रह जा, एक मौका दिए, और सेकंड राउंड में, सेकंड बारी में जब आएंगे उन्होंने सेकंड राउंड में, तो जब नाम पूछेंगे कौन डाले थे, कहाँ से आया था, क्या दास्तान थी, और जो भी है लायु में सामने सामने पूछा, बच्चे के आंग पे इससे पहले कभी नहीं हाजिर हुआ, बच्चे का ऐसा कहना है। यहाँ कितनी बार आए? फर्स्ट बार, वीडियो देखते हैं। जो पहली बार आए, पहली बार में दिल से कोशिश कर रहा आने का, लेकिन फोन लगाने का भी नहीं हो रहा था। अच्छा, क्या हो रहा था? दिल नहीं बोल रहा था। हाँ, फोन लगाना हो रहा था, याद चाह रहा था। वो अंदर का जो था ना, वो आने नहीं देता, वो तुम्हारे रस्तों में अड़थड़े डालता, उन्हें बहुत दिन से आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको आने नहीं दे रहा था, वो तुमको इबादत की जगहों पे भी नहीं जाने देते, इबादत करने लगे तो रोकते, दिल में वसवसे डालते, क्या करने का, लेजी पना लाते, नहीं घबराहट लाते, बोलते जान अभी नहीं बाद में पढ़ेंगे, तो समझ जाना कोई शय लगे वाली है जो तुम्हारे परेशान करके तुम्हारी जान खतरे में कभी भी ले सकता हो, तो इसलिए बेहतर है कि जादू पहचानने का बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान, मामूली, मैं तुमको बता देता मामूली तरीका, तुम क्या कोई जादू जिन्नात शैतान कोई भी बला है, और तुम नमाज को जाओ, नमाज पढ़ने की कोशिश करो, और नमाज पढ़ने नहीं दे रहा कि समझ जाना कुछ है, तो रुकना नहीं, जबरदस्ती पढ़ना, दिल दिमाग पूरा लगा के, पूरी रूहानी ताकत लगा के पढ़ने की कोशिश करना, जब रस्सी मजबूती से थामेंगे इबादत की, तो वो सब कटना चालू हो जाता, फिर भागना चालू होता, और महसूस हो जाता तुम आपको कर रहा है बोल के, जब नमाज के राह पर तुम लेके कुरान हाथ में लेके पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो तुमको खुद महसूस हो जाता, कोई इलाज वाले के पास जाके पूछने की जरूरत नहीं रहती, ये छोटे मोटे इलाज वाले तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देते, कमीन के बच्चों को आता कुछ नहीं, उलट टिलट करके तुम्हारे बहुत सब तुम्हारे माल पे धन पे दौलत पे हर चीज पे पूरी नजर डाल देते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी तीन चीजें छुपा के रखने की है, दौलत छुपा के रखो, औरत बेटी छुपा के रखो, और खाना छुपा के रखो, ये तीनों चीजों को भी पर्दे के आड़ में रखो, क्योंकि तीनों चीजों पर भी कोई भी बुरी नजर डाल सकता, तुम्हारे दौलत पे भी कोई बुरी नजर डाल सकता, तुम्हारे औरत बेटी पे भी कोई बुरी नजर डाल सकता, और तुम्हारे खाने पर भी कोई बुरी नजर डाल सकता, और नजर इतनी बुरी चीज है कि पत्थर को भी फोड़ देती है, ये भी हदीस के अंदर है, चंद जिन्नात और चंद इंसान की नजर इतनी खतरनाक है, हदीस बता रहा हूँ, हदीस में चंद जिन्नात और चंद इंसान की नजर इतनी खतरनाक है कि वो पत्थर भी फोड़ देती, और ये तो बुरी नजर डालते ही कम वक्त ये नालायक है, इसलिए इनसे बचो, अल्लाह की पनाह में रहो, एक बार भी कमीन के बच्चों के पास में मत जाया करो, तुम्हारी दौलत भी बर्बाद कर देते, तुम्हारा घर भी बर्बाद कर देते, तुम्हारे घर में फूट भी लगा देते, किरकिरियां झगड़े लगाते, और तुम्हारा दादागिरी करके दिखाते वो कि हम उलट कर देंगे, हम टिलट कर देंगे, तो इसलिए आता तो कुछ नहीं, दोनों उलट टिलट करने को बढ़िया लगते, तो बार बार मैं एक ही बात बताऊंगा तुम सब लोगों को कि अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे, ये लड़का ये बच्चा पहली बार आया, पहली बार में जो उसके आंग में जो भी शय थी सामने ही सामने इसको पकड़ लिए, पकड़ के बाहर जाने का हुक्म दे दी, अब अगर दोबारा फिर वो शय को दूसरे राउंड में पकड़ के पूछेंगे कौन डाला था, कहाँ से आया था, क्या बात है, बोल दे उसके बाद पता था हो जा, फिर एक बात ये भी है कि उन्हें उसकी जान लेने वाला था, कब और कैसा लेने वाला था, क्या क्या दास्तान थी, मैं इंशाल्लाह वक्त आने पर सेकंड राउंड में सब पूछाऊंगा, और सबका अलग अलग रहता, तुम्हारी नीयत अगर लड़ने की नहीं है तो तुम्हारा नाम भी दिख जाएगा, सारी दास्तान सामने भी आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर खुद बहुत कुदरत की तरफ से निजाम चलता, मैं मेरी जबानी और मैं मेरे तरफ से कुछ बोलता नहीं, मैं सामने पकड़ के पूछा था, और पकड़ते सिर्फ ये चीज है उसके अंदर का जिसकी
लड़ने की नीयत नहीं है, फैज पाना है तो फिर उसको बता भी देते ना अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह के। और मैं बार बार एक बात कहता तुम लोगों को कि अल्लाह के वलियों को बुरा नहीं बोलना, उनके बारे में जरा भी दिल में बोझ नहीं रखना, नालायक हो अक्ल से पैदा लो। तुम पे अगर कोई ने जादू कर दिया तुम पे का जादू हटाएंगे तुम जाकर कोई आमिल के पास में, अगर तुम बीमार है तो कोई डॉक्टर के पास जाके तुम बीमारी का हल करेंगे, अगर तुम कुछ हो गया मैटर को भी तुम सर्जरी करके निकाल देंगे। लेकिन जब अल्लाह की तरफ से वबा आएंगी, अल्लाह के वलियों को अगर बुरा बोले तो वो वबाओं में तुम और आजाब में अगर तुम गिर जाएंगे तो फिर तुम्हारे कौन अच्छा करेगा, कौन अच्छा करेगा, कैसा अच्छा होंगे तुम? एक बार नहीं होते, एक बार अगर आजाब इलाही में गिर गए तो। इसलिए अल्लाह के आजाब से पनाह मांगो, दुनिया के वसवसों से पनाह मांगो, शैतान से पनाह मांगो, दज्जाल के फितनों से पनाह मांगो। दुनिया की शर जो है, ये दुनिया के अंदर जो फैल रहा है, क्या क्या हरकतें, ये बातें, ये वबाएं, ये सब, इससे अल्लाह की पनाह में रहो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में अल्लाह से मांगो कि अल्लाह इस वबाओं से तेरी पनाह में रख, तेरी पनाह में रख, तेरी पनाह में रख। अगर बेटा शैतान घुस गया घर में तुम्हारे तो तुमको भागने को रास्ते नहीं मिलते, कहाँ जाके तुम निकालेंगे, वो भी नहीं मिलता तुम्हारे, बाद में तुम्हारे लास्ट दर्जे पे लाके मार देता। इसलिए हटाने वाले दुनिया में अल्लाह ने बहुत कम उस्तादों के उस्ताद रखे, ले गिने चुने। अल्लाह का निजाम खुद जमीन पे आके नहीं चलाता, अल्लाह के वलियां रहते, वलियों के ऊपर अब्दाल रहते, उनके बाद खुतूब रहते, इससे भी इनके हाथ में निजाम और सिस्टम दे के चलाता अल्लाह। तुम बोलते कि बादशाह हम हैं, हुकूमत हम चलाते, अकल से पैदल हो, तुम्हारे सांसों पे हुकूमत अल्लाह की है, जो सो रहे हैं, जो तुम ऑक्सीजन खींच रहे हो, सोच रहे, सब चीजों पे अल्लाह की हुकूमत है, अल्लाह की। और अल्लाह वो है, वो ईश्वर है, जरा पढ़ो ईश्वर के बारे में और अल्लाह के बारे में क्या है तो तुम्हें समझ में आएगा, जहन में बैठेंगे बातें। इंसान जमीन पे पैदा होगा तो वो कोई अवतार है या कोई वो गॉड मैसेंजर है इंसान, कुदरत जो है खुदा की, खुदा पैदा नहीं हुआ, खुदा ने दुनिया को पैदा करा। अल्लाह कल से हम दोस्त समझो जरा, जितने भी लोग ध्यान लगा के बैठते थे, जितने भी महापुरुष जितने भी है, सारे फोटो में देख लो, जितों के सामने तुमको फिराते ना अगरबत्तियां दिदारे कर रहे, सबको देख लो, सब ऐसे ध्यान लगा के बैठे आले, कोई ऐसा ध्यान, तो जो ध्यान लगा के जिसका बैठे आले वो ईश्वर है, वो अल्लाह है, उन्हें ताकत बढ़ाता, उन्हें शक्ति देता सबको। आया समझ में? इंसान की पूजा करने को बुत परस्ती बोलते, और बुत परस्तियों से ये बातों से बाज आ जाओ, समझो कि इंसान कुछ मानेंगे, इंसान कुछ बड़ा बोल के तुम पूजेंगे, उसको तो हाथ पैर भी थे, उसको मुंह नाक थी, वो भी खाता था पीता था सब, है ना, हिस्ट्री में देखो ना, वो ईश्वर नहीं होता, वो अल्लाह नहीं है, अल्लाह वो है कि जिसको किसी ने नहीं देखा, समझे, समझ में आया, किसी ने नहीं देखा। बाकी जितने भी महापुरुष थे सब ध्यान लगा के बैठे थे, सबके फोटो में देख लो, तुमको बात सिखा रहा हूँ बहुत बड़ी, सब अपने अपने सब खुद देख लो, जितने भी गॉड मैसेंजर होंगे या महापुरुष होंगे या कोई धर्म के बड़े गुरु होंगे या और कोई देवी का अवतार, देव का अवतार तुम बोल रहे हो, उन सबको देखो, वो सब ऐसे ध्यान लगाकर बैठे आले। ध्यान इसलिए लगाते थे कि अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, अपनी हमारी शक्ति बढ़ना, तो जब उन अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ध्यान लगा रहे हो, ध्यान किसका लगा रहे थे? वो ईश्वर का ध्यान लगा रहे थे, और वो जो शक्ति बढ़ाने वाला ईश्वर है वो ही तो अल्लाह है ना, फिर वक्त जिसको किसी ने नहीं देखा, समझा करो। अगर जाहिली करिए, जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख, किसी का कुछ नहीं जाता। और अल्लाह के वलियों को कभी बुरा नहीं बोलना, क्योंकि अल्लाह फिर इतने बुरे तरीके से तुमसे बदला लेता, इतने खतरनाक तरीके से तुमको आजाब में घेरता कि ना दवा काम करती, ना फिर दुआ काम करती, ना कोई गोली काम करती, ना कोई सर्जरी काम करती। इसलिए बेहतर है कि पनाह में रहो। बेटे मैंने बोला था ना, जो है बताया था तुम लोगों को, मत करो हरकतें, मत करो ऐसे बातें, तुम्हारे जबानों में कैंसर होके कटेगा, तुम्हारा जबान में कैंसर, बोला था ना कि मत करो मजाक छेड़खानियां। जलाली हस्तियों के सामने बहुत अदब से पेश आना पड़ता, कैसे दिल पकड़ के मार दिए तुम्हारे, कैसे रातों रात हमले हो गए तुम्हारे, कौन मारा तुम्हारे, मैंने थोड़ी मारने लगाया, मैं किसी को मारने नहीं लगा था, मैं जान बचाने बैठे आ रहा हूँ यहाँ, तुम मुंहते बयां करके दिखा रहे थे, मुझे बता रहे थे अपनी ताकत, देखे किसकी ताकत बड़ी है, खबर में जाके आया समझ में, ऐसी बात, तुम्हारे दिल पकड़ के फौरी तुम्हारे मार देते, अगर तुम कोई हरकत करे तो तुम्हारा दिल ब्लॉक हो जाता, हार्ड आ जाता, बोलते अरे ये दिल पकड़ लिया क्या होगा, कि दिल पकड़ के फौरी निचोड़ के खत्म कर देते तुम्हारे। ये अल्लाह का निजाम है, ये वो ताकतें हैं जिनको गई भी ताकतें बोलते हैं, बरोबर मार दी तुम्हारे फौरी सडनली नहीं मारते, तो बोलिए अपनी मार दो, एक मिनट में मार के बताओ, ऐसा देखते हूँ बेटा, बोलते ऐसा क्या, देखो वक्त के हिसाब से घेरते हैं, जब सितारों का सिस्टम पूरा एक इसमें आता पटरी पे, जब घेरना चालू करते कौन सी टाइमिंग रहती क्या रहती है तुम्हारा गुड़ मालूम, और तुम उतने डिफिनेशन में जा भी नहीं सकते, तब कोई तुमको समझा भी नहीं सकता, क्योंकि सब अकल के अंधे लोग हैं, इतना इल्म किसके पास है, लोगों के पास थोड़ी है। इसलिए बार बार कहता मैं कि अल्लाह के वलियों के वास्ते जिन लोगों को रखना, उनसे मोहब्बत करो, उनको तुम अगर
मोहब्बत की निगाह से देखेंगे तो अल्लाह भी मोहब्बत की निगाह से देखेंगे, क्योंकि अल्लाह फरमा रहा ना तुम मेरे वलियों को अगर पूछ रखती बराबर भी इनके वास्ते तो फिर जंग का ऐलान कर दिया अल्लाह ने तुम्हारे साथ खुलेआम, बच सकते फिर बहुत बुरे तरीके से मारेंगे पिट के। और एक बात सबसे अहम, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामेंगे, तुमको बार बार इस वास्ते बोलता कि इबादत की रस्सी को तुम अगर मजबूती से थामेंगे तो तुम्हारे दिल से शैतान का वसवसा हटा दिया जाएगा और तुम्हारे दिल में नूर पैदा होगा अल्लाह का। जब अल्लाह का नूर पैदा होगा तो तुम्हारा दिल किसी पर जादू करने की नहीं सोचेगा, किसी को बर्बाद करने की नहीं सोचेगा, किसी को जहमत देने की नहीं सोचेगा, तुम सबका भला सोचेंगे। फिर अल्लाह का नूर तुम्हारे दिल में उतरेगा तो तुम सबका भला सोचेंगे तो तुम्हारा भी भला होगा। कर भला बोलते थे ना, कर भला तो होगा भला, जो भी बात थी तुम्हारा भी भला करेगा अल्लाह, क्योंकि तुम्हारे आमाल अच्छे हो जाएंगे और सब मामला अच्छे हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। कहां से आए थे? ठीक है, चलो खैर, अल्लाह के लिए।